नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी बैठक पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं PSL 6 से जुड़ी एक खबर। जी हाँ दोस्तों, आज ये खबर आई है कि शाहिद अफरीदी PSL के आबू धाबी लेग से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, उनकी बैक इंजरी के कारण वो रूल्ड आउट हो चुके हैं PSL 6 से। ट्रेनिंग करते समय कराची में ट्रेनिंग जब वो कर रहे थे, उनको अपनी लोअर बैक में पेन महसूस हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट करने की एडवाइस दी है, जिसके बाद वो PSL से बाहर हो चुके हैं। और उनकी टीम सुल्तान मुल्तान की ओर से वो एज एन ऑलराउंडर खेलते थे, लेकिन इस खबर के बाद उनकी टीम सुल्तान मुल्तान ने उनकी जगह आसिफ अफरीदी को साइन कर लिया है, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इसके बाद शाहिद अफरीदी की ओर से भी ये बयान आया है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंट है, लेकिन उनकी बेस्ट विशेज उनकी टीम के साथ है कि वो इस साल ट्रॉफी ज़रूर जीते। साथ ही अगर हम PSL से जुड़ी और खबरों की बात करते हैं, तो PSL की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दो नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के जो ओपनर हैं ब्रैंडन किंग, एक तो उनको साइन किया है और दूसरी ओर उन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उमर आमीन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अगर हम दूसरी टीम की बात करते हैं, तो पेशावर जलमी ने अफ़गानिस्तान के हज़रत उल्ला रज़ाई को अपनी टीम में साइन कर लिया है, अपनी टीम में ऐड कर लिया है। तो ये थी PSL 6 से जुड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज़। तो इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। So thank you everyone.